हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गुप्ता नित्या मॉम्स किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक सिंपल सी और न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत हेल्दी भी है और खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है। आज हम बनाएंगे पनीर का पराठा। पनीर और प्याज यहाँ मिक्स करके मैंने पराठा बनाया है। आप चाहे तो सिंपल पनीर के पराठे भी बना सकते हैं। आइए दोस्तों, अब से सिंपल सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल नित्या मॉम्स किचन को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। सबसे पहले हम दोस्तों पनीर की स्टफिंग तैयार कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है। यहाँ लगभग ये 200 से 250 ग्राम जितना पनीर था जो मैंने ले लिया, और ये जो पनीर है वो मैंने घर पर ही बनाया हुआ है। और इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया, और साथ में यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्ची इसमें डाल दी है, और यहाँ पे आधी प्याज जिसको मैंने काट कर इसमें डाल दिया है। यहाँ मैं पनीर और प्याज के पराठे बना रही हूँ। आप चाहे तो पनीर के पराठे से प्लेन बना सकते हैं, अगर आपको प्याज नहीं डालना है तो आप नहीं भी डालें। थोड़ी सी यहाँ पे मैंने सौंफ डाल दी है और थोड़ा सा यहाँ नमक डाल दिया है। नमक हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं डालना है, क्योंकि जब हम आटे में भी नमक डालते तो आपको थोड़ा ज़्यादा ना लगे। इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे और जो पनीर की स्टफिंग है वो हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अगर आप चाहें तो पनीर और चीज़ के भी बनाना चाहें तो इस समय आप थोड़ा सा चीज़ भी मिक्स कर सकते हैं, तो पनीर चीज़ के भी आप पराठे ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आटा ऑलरेडी तैयार गूंथ के तैयार कर लिया था। इसकी हम एक लोई लेंगे और इस तरीके से इसको थोड़ा सा गोल कर लेंगे। आप दोस्तों पनीर की स्टफिंग के साथ अगर मिक्स स्टफिंग भी तैयार करना चाहें तो उसमें बहुत वेजिटेबल भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली आज मैं पनीर और प्याज के पराठे लेकर आई हूँ, तो मैं उसी की रेसिपी दोस्तों आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं पनीर और प्याज को मैंने अच्छे से, जो स्टफिंग थी उसको अच्छे से इसमें फिल कर लिया है, और इसका हम पराठा इस तरीके से बेलेंगे। धीरे धीरे करके आप हल्के हाथों से इसे बेलेंगे तो ये आराम से बेल जाते हैं। कहीं पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल फटा नहीं है, आप आराम आराम से इसने आसानी से बेल सकते बिना फटे हुए, बिना झंझट के, बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए दोस्तों, पनीर का पराठा हमने बेल लिया है। अब इसको हमें सेकना है। मैंने 2-3 पराठे भी बेलकर इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, आराम से हम इनको हल्के हाथों से बेलते जाएंगे तो ये आराम से घूमता जाता है और कहीं से भी ये फटेगा नहीं। बहुत ही आसान तरीका, और आप देखेंगे इतनी अच्छी तरीके से ये फूलेंगे दोस्तों पराठे, बिल्कुल आपको नहीं लगेगा बिल्कुल मार्केट की तरह। ये देखिए दोस्तों, अच्छे से अब हम इसको सेक लेंगे। जैसे ही एक साइड से सिक जाएगा दोस्तों, हम इसको पलट देंगे और इसके एक साइड पे हम घी लगा देंगे। आप चाहे तो बटर लगाना, चाहे तो बटर, तेल लगाना चाहे तो आप यहाँ पे तेल भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने घी का यूज़ किया। ये देखिए, अच्छे से इसके चारों साइड पे हम डाल देंगे। आप देख सकते हैं पराठा जो है वो हमारा फूलने लगा है। अब हम इसे दोनों साइड से अच्छी तरीके से हमें सेकना, जब हम इसको पलट देंगे और इसकी दूसरी साइड पर भी हम घी अप्लाई करेंगे। घी की जगह आप बटर या तेल का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया। आप देखिए दोस्तों, अब हम इस तरीके से धीरे धीरे प्रेस करते हुए इस पराठे को सेक लेंगे, जब तक कि अच्छा क्रिस्पी होने तक ना सिक जाए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे फूले फूले पराठे जो हैं पनीर के, वो हमारे सिक कर तैयार हो गया है। इसी तरीके से दोस्तों हम अपने सारे पराठे सेक कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, एकदम क्रिस्पी हमारा पनीर पराठा जो है वो सिक कर तैयार हो गया। इसको हम साइड में निकाल लेंगे और बाकी पराठे भी हम इसी तरीके से सेक कर साइड में रख लेंगे। दोस्तों, बहुत ही आसान रेसिपी है। आप बच्चों के लंच बॉक्स, बड़ों के लिए भी रख सकते हैं, कभी भी ब्रेकफास्ट या लंच में भी इवन बना सकते हैं। अगर आपका अगर पनीर के पराठे खाने का मन हो तो थोड़ा सा दोस्तों अगर उसमें आप प्याज भी डालेंगे तो ये बहुत टेस्टी लगेंगे, और अच्छे फूले फूले पराठे जो हैं दोस्तों हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं एक भी पराठा ऐसा नहीं है जो नहीं फूल रहा। आप देख सकते हैं सारे पराठे जो हैं अच्छे से फूल कर तैयार हो गए, और बहुत ही ये क्रिस्पी भी लगते हैं दोस्तों, खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इसे दही के साथ, हरी चटनी के साथ ले सकते हैं, कोई सब्जी के साथ भी अगर कई लोग पसंद करते हैं तो आप ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसी तरीके से मैंने सारे पनीर के पराठे जो है वो सेक कर रख लिए हैं साइड में। बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों ये पनीर के पराठे की, झटपट बनकर ये तैयार हो जाते हैं। अगर आप कभी भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं दोस्तों, बहुत ईजी और सिंपल रेसिपी है। अगर आपको पसंद आ रही हो दोस्तों तो लाइक करना, कमेंट करना और रेसिपी को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये देखिए दोस्तों, मैंने पनीर के सारे पराठे बनाकर साइड में रख लिया है, और हमारे जो पनीर के पराठे हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं बहुत ही झटपट और आसान तरीके से।
बिल्कुल मार्केट से भी बहुत अच्छे। एक बार इस तरीके से दोस्तों आप बनाकर देखें, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ये देखिए हमारे बिल्कुल क्रिस्पी ऊपर से आप देख सकते हैं, एकदम पनीर के पराठा जो सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। एक बार ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी दोस्तों अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें नित्या मॉम्स किचन को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ये देखिए दोस्तों हमने पनीर के पराठे दही और चटनी के साथ सर्व किया है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अगर पसंद आई हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए और मुझे बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।